नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। मैं बात करने वाला हूं आज भारत की टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन की। पहले नंबर पर आती है हमारी गतिमान एक्सप्रेस। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलती है। यह ट्रेन 403 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को 4 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे नंबर पे हमारी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से हबीबगंज के बीच चलती है। यह ट्रेन 707 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 155 किलोमीटर पर आवर है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के बीच चलती है। यह ट्रेन 759 किलोमीटर की दूरी को ठीक 8 घंटे में पूरा करती है। इस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुरुआती ट्रायल तो 180 किलोमीटर पर आवर पर हुआ था, बट यह ट्रेन 130 से 135 किलोमीटर प्रति आवर पर ही चलती है। नंबर 4 पर है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच चलती है। यह ट्रेन 1384 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे 42 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। पांचवें नंबर पर है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलती है। 1542 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन 17 घंटे 10 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।